Today we are going to discuss Shakespearean comedy. After this discussion, we will be able to know about introduction to Shakespeare, comedy, themes of Shakespearean comedy, characters, structure, plot, tools and devices, and names of Shakespearean comedies. Before going to start this discussion, please subscribe to my channel because it will motivate me to make more videos. Let's get started. Introduction to Shakespeare. जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो इसकी जादुई शख्सियत की नुमाया खसूसियाँ या इस उसकी शख्सियत की कम से कम तीन पहलू रिवील होते दिखाई देते हैं. फर्स्टली, ही वॉज अ मैन हु लिव्ड लाइक अदर्स मैन ऑफ हिज टाइम एंड डाइड 4 ईयर्स अगो. यानी शेक्सपियर एक शख्स था जो अपने ज़माने के दूसरे मर्दों की तरह रहता था और 400 साल पहले इसके इंतकाल हो गया था. इस शख्स को हम बड़ी मुश्किल से तसली बख्श हद तक जानते हैं और जो कुछ हम जानते हैं दैट इज़ लेस दैन सिग्निफिकेंट. Secondly, there is the dramatic genius. हम कह सकते हैं शेक्सपियर की जहानत ड्रामाई सलाहियतों से भरपूर है जिसके ड्रामे पूरी दुनिया में प्ले होते हैं एंड bring thousands of people from the globe flutter around theaters to see the play like moths around the light. जब हम इन ड्रामों को देखने और सुनने के लिए आने वाले लोगों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि शेक्सपियर इज़ अ मैजिशियन हु स्पेल्स हिज ऑडियंस और रीडर्स विद हिज इम्पैसिव स्टाइल एंड ड्रामेटिक टेक्निक्स. द थर्ड वन इज येट देयर इज अ स्टिल ग्रेटर शेक्सपियर. अगर देखा जाए तो जो बात शेक्सपियर के रीडर्स को अपनी तरफ अपील करती है वो इमेजरी टेक्सचर और विवर्डनेस ऑफ करेक्टराइजेशन है. So we can say that Shakespeare holds us by power to invent the human in a man. He is there in his play with all the follies and foibles, virtues and victories, magic and miracles, and pity and fear. Yani har cheez jo insaan ki khususiyat ke zumre mein aati hai can be called attributes of man. The next is comedy. Comedy is a form of drama which delights or amuses us. The history of comedy is very old. Many great dramatists like Aristotle, Plato, Terence contributed much to comedy, but Shakespeare added a new color to it. Shakespeare से पहले comedy पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी. इसे महज सफरी यानी amusement के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. इसका purpose लोगों के थके हुए ज़हनों को relax करना था. But Shakespeare added romance, love, music and fancy to it that grew out of national tastes and traditions. और Shakespeare ने अपनी पसंद और अपने स्टाइल से लिखा. Spenser की The Fairy Queens की तरह Shakespeare also has his green world of comedy. Green world से मुराद गोल्डन एज है जो हैरत में मुबतला कर देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आया ये हकीकी दुनिया है या नहीं. As You Like It में हर्डन का जंगल इसकी बेहतरीन मिसाल है. शेक्सपियर के ड्रामों में परियों, ख्वाबों, मायूसी मायूस लोगों और जानवरों से मोहब्बत करने वालों की ये दुनिया हो सकता है ये हकीकी दुनिया ना हो. But there is something illusory in the stumbling and blinded follies of the normal world. एक आम इंसान एक ही वक्त में हकीकी दुनिया और ख्वाबों की दुनिया दोनों में रहता है. A normal man creates his dreamland according to his desires and aspires. शेक्सपियर के पास यह खूबी या क्वालिटी है जिससे वो इंसान की दोनों दुनियाओं को इम्प्रेसिव तरीके से प्रेजेंट करने की पावर रखता है. So we can say that Shakespearean comedy is not Aristotelian and realistic like Menander's, nor Platonic and dialectic like Aristophanes, nor Thomist and Scarmenta like Dante's, but a fourth kind. The fourth kind is
इट इज़ एन एलिजबेथन काइंड। सो एलिजबेथन एज में दो तरह के थे, दो राइटर्स थे, द वन इज जॉनसन्स कॉमेडी, द अदर शेक्सपियर कॉमेडी। यानी दो प्ले राइट्स थे, एक जॉनसन था और दूसरा शेक्सपियर था। जॉनसन एज वेल एज शेक्सपियर आर कॉन्टेम्प्रेरीज राइटिंग एट द सेम टाइम, लेकिन इनके लिखने का अंदाज बहुत हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जॉनसन की कॉमेडी दरअसल कॉमेडी ऑफ मैनर है। इस कॉमेडी को एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहा जाता है। इससे मुराद ऐसा मिजाज या ऐसी कॉमेडी है जो माशरे के अदब यानी मैनर्स और असरात पर तंज करती है और सोशल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाती है। ऑन द अदर हैंड, शेक्सपियर नेवर रोट अ प्योर कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड नेवर फेल टू इंक्लूड समथिंग इन हिज कॉमेडी व्हिच टेंड्स टू डिस्पेल द रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर। शेक्सपियर अनलाइक जॉनसन वाज एन इग्नोरेंट बट क्विक एंड द इंस्पायर्ड चाइल्ड ऑफ नेचर। यही वजह है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज नेचुरल दिखाई देती हैं और एडमायरेबल हैं। नाउ वी विल डिस्कस शेक्सपियरियन कॉमेडी थीम्स। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज लव एंड रोमांस। शेक्सपियर की कॉमेडी का मेन थीम लव और रोमांस है। शेक्सपियर कॉमेडी ना सिर्फ इस लिहाज से रोमांटिक है कि इसमें क्लासिकल ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का मुशाहदा नहीं होता, बल्कि इस लिहाज से भी रोमांटिक है कि इट प्रोवाइड्स एन एस्केप फ्रॉम द बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ। शेक्सपियर हमें अपने इमेजिनेशन के जरिए अर्डन के जंगल, एलियरिया के साहिल, ग्रीस के कदीम जंगलों में ले जाता है और मोहब्बत की इस सरजमीन में लोगों के पास मोहब्बत करने के अलावा और कोई काम नहीं होता। दे हैव नो अदर बिजनेस बट दैट ऑफ लव मेकिंग। बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी सीन इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसमें रोमांटिसिज्म अरूज पर है क्योंकि इसमें फेरीज की प्रेजेंस और शेक्सपियर की शानदार और खूबसूरत पोएटिक फैंसी है। द नेक्स्ट इज स्ट्रगल ऑफ लवर्स। इसमें हीरो और हीरोइन ही मोहब्बत में मुब्तला नहीं होते, बट ऑल आर इन लव। इन फैक्ट लव इज द मेन मोटिवेटिंग फोर्स इन शेक्सपियर कॉमेडी। शेक्सपियर की कॉमेडीज में मोहब्बत करने वाले तमाम यंग होते हैं, नौजवान होते हैं और पहली ही नज़र में मोहब्बत में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को इम्प्रेस करने या जेल करने की कोशिश करते हैं, जैसे बैट्रिक एंड बेंटिक मच अबाउट नथिंग में करते हैं। एंड ईच सीम्स टू हैव अ ग्रेटर स्ट्रेंथ चार्म एंड विट एज रोसालिंड इन एट हर मोस्ट चार्मिंग व्हेन टॉकिंग टू ऑरलैंडो। और पोर्शिया बसैनो की कंपनी में ज़्यादा पोएटिक होती है। द नेक्स्ट इज सेपरेशन एंड रीयूनियन। शेक्सपियर एंड हिज प्ले विद पॉजिटिव नोट ऑफ रीयूनियन। ड्रामे के दरमियान में किरदार अलग होते हैं, लेकिन आखिरकार ड्रामा के आखिरी हिस्से में वो शादी कर लेते हैं। द नेक्स्ट इज हैप्पी एंडिंग। सो वी कैन से दैट अ शेक्सपियरियन कॉमेडी इज अ स्टोरी ऑफ लव एंडिंग एंड रिंगिंग ऑफ मैरिज बेल्स। चूंकि इसके प्ले में काफी कपल्स मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, लिहाजा एट द एंड ऑफ द प्ले सिर्फ एक शादी नहीं होती बल्कि काफी शादियां होती हैं। द नेक्स्ट थीम इज मिसकंसेप्शन। अ मिसकंसेप्शन स्पेशली बिटवीन लवर्स, दिस वाज द प्राइम फोर्स बिहाइंड ह्यूमर। एग्जांपल कैन बी सीन इन मच अडो अबाउट नथिंग। इज दैट क्लियर? सो द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कैरेक्टराइजेशन और करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। सो द फर्स्टली हिज करेक्टर्स आर पर्सन्स ऑफ एवरीडे लाइफ। शेक्सपियर के प्ले के करेक्टर्स रोजमर्रा की जिंदगी के किरदार या अफराद हैं जो कि काइंड, लाइट हार्टेड और ह्यूमरस हैं। दे आर लवेबल क्रिएचर्स हु विन अवर सिंपथीज। द वुमेन आर विनिंग एंड चार्मिंग। दे डोमिनेट द एक्शन एंड ऑलवेज इन फ्रंट। इससे ये साबित होता है कि शेक्सपियर औरतों को भी अहमियत देता है। द नेक्स्ट करेक्टर वी यूज टू बी इन शेक्सपियरियन कॉमेडी इज
फूल। ऐसा लगता है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में बेवकूफ ज्यादा होशियार होते हैं जितना वो नजर आते हैं। ट्वेल्थ नाइट में फीस या एज यू लाइक इट में ट्रस्टोन फूल कैरेक्टर हैं, और शेक्सपियर की ट्रेजडी में भी हमें फूल कैरेक्टर नजर आते हैं, यानी किंग लियर में हम देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज डिसगाइज। लिजा को बढ़ाने के लिए या फिर आयरनी को ऐड करने के लिए डिसगाइज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शेक्सपियरियन एज में द हीरोइन डिसगाइज्ड एज अ बॉय। वी कैन सी इन द कैरेक्टर ऑफ रोजालिंड एंड पोर्शिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमेडीज। हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ द टू। सो द सेंट्रल अप्रोच टू शेक्सपियर कैन ओनली बी अंडर स्टूड थ्रू अ स्टडी ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। शेक्सपियर की कॉमेडीज में दोनों को, यानी कॉमेडी और ट्रेजडी को ब्लेंड किया जाता है। इवन द सेम करेक्टर शो ग्रेट इंटरचेंज ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमेडी स्ट्रेंथ्स। द नेक्स्ट इज पेन किलर। द कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर वर्क एज अ पेन किलर, यानी शेक्सपियर की कॉमेडीज पेन किलर का काम करती हैं। ये ज़हनी तनाव और परेशानी को रिलीफ करती हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स टू फील लाइट हार्टेड एंड रिलैक्स आफ्टर सीइंग हिज कॉमेडीज। द नेक्स्ट इज ह्यूमर। शेक्सपियर की कॉमेडीज में मजाक को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि इंसानी जिंदगी हमेशा खुश या मायूस नहीं रहती, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बट इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ बोथ थिंग्स। तो प्ले की एंडिंग में भी खुशी को दिखाया जाता है और ये हैप्पी एंडिंग होती है। द नेक्स्ट इज प्लॉट। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट। शेक्सपियर की कॉमेडीज के प्लॉट पर गौर करें तो वी ऑब्जर्व दैट द प्लॉट आर नॉट ओरिजिनल। ही नेवर इन्वेंटेड देम, रादर ही बोरोड देम फ्रॉम इंग्लिश और फॉरेन सोर्सेज। हम कह सकते हैं कि जो शेक्सपियर की स्किल्स प्लॉट में हैं, प्लॉट की वेविंग में हैं, वो पुअर स्किल्स हैं, बट ही हैज़ अ मार्वेलसली इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव माइंड। मिसाल के तौर पर शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट का प्लॉट थॉमस लॉज की रोजालिंड से लिया है। शेक्सपियर की कॉमेडीज का प्लॉट अमूमन मेन कैरेक्टर के तारुफ यानी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है, जो आगे चलकर कन्फ्लिक्ट का बायस बनता है, और इसके बाद सेल्फ डिस्कवरी का अमल शुरू होता है। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन के बाद मफाहमत यानी रिकन्साइलेशन की सूरत हाल पैदा होती है, और फिर कन्फ्लिक्ट को हैप्पी एंडिंग की शक्ल में हल किया गया। तीसरे एक्ट में आमतौर पर अरूज होता है यानी क्लाइमैक्स होता है, और फाइनल सीन में मोहब्बत या फिर शादी का जश्न वाली सूरत हाल होती है। शेक्सपियरियन कॉमेडी में मनाजर जिंदगी जैसी चीज़ों में रूनमा नहीं होते, बल्कि ऐसे तरीके से सीन को रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे ऑडियंस को ख्वाब जैसी हकीकत तक ले जाया जाता है। अनदर ट्रेडमार्क ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी इज द इंटरवीविंग ऑफ सब प्लॉट्स इन द मेन प्लॉट। द नेक्स्ट इज टूल्स एंड डिवाइसेस। द फर्स्ट इज म्यूजिक। सिंस म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, लिहाजा शेक्सपियरियन कॉमेडी इंतहाई म्यूजिकल है। म्यूजिक और डांस ही शेक्सपियरियन कॉमेडी की जिंदगी और जान है। ट्वेल्थ नाइट विच स्ट्राइक्स द कीनोट ऑफ दिस मैरी टैब ऑफ लव and its examples can be seen as you like it, Midsummer's Night Dream। ये दोनों यानी as you like it और Midsummer's Night Dream मौसीकी से भरपूर हैं, और आखिर में हमेशा म्यूजिक, डांस और मैरी मेकिंग होती है। द नेक्स्ट इंग्रीडियंट इज ह्यूमर। शेक्सपियर की कॉमेडी का ह्यूमर इसे पहले वाली कॉमेडी से मुख्तलिफ बनाता है, और ये ह्यूमर ही है जो इसकी कॉमेडीज को खूबसूरत बनाता है। और शेक्सपियर की कॉमेडीज
مزاح نگاری کو روشن کرتی ہیں. دا نیکسٹ از ریئلزم. اس کامیڈیز کنٹین اے ویلتھ آف امیجنیشن اینڈ پوئٹری بٹ آلسو اے ٹچ آف ریئلزم. وربل انٹیگونیزم اینڈ وربل ہیومر وار اپریشیٹڈ ان دا سیم. یوز آف الیوژنز میٹافرز انسلٹس اینڈ puns are also there in Shakespearean comedies. It can be seen in As You Like It. مزید اس کو امپریسو اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے فینٹاسٹک اور سپر نیچرل ایلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ دا شیکسپیئرین پلیز وچ آر یوزلی کلاسڈ ایز کامیڈی آر The Merchant of Venus, Twelfth Night, All's Well That Ends Well, The Tempest, Taming of the Shrew, The Winter's Tale, As You Like It, The Comedy of Errors, Love's Labour's Lost, A Midsummer's Night Dream, The Two Gentlemen of Verona, The Merry Wives of Windsor, Meyer for Meyer, Much Ado About Nothing, Pericles, and Prince of Tyre, and the last one is The Two Noble Kinsmen. At the end, or to conclude this discussion, we can say that Shakespearean comedy has been loved and enjoyed in every age and country. Its charm is as fresh as ever been today. Its sunny atmosphere, its idyllic nature, its spirit of kindliness, its humanity has all endeared it to all its readers. So that's the today's discussion. If you still have any confusion, then please mention your confusion in the comment section. I will surely try my best to clear your confusion. Thank you.